विधानसभा के बजट सत्र में आज किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया और इसी मुद्दे को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से बात की है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा ने। मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया, आइए हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी। सर क्या मामला था, क्या हो गया कांग्रेस ने हंगामा कर दिया? एक्चुअली कांग्रेस को क्या लग रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, सत्ता पक्ष को घेरना है, तो सत्ता पक्षों को मुद्दे पे घेरना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का काम भी है और कांग्रेस को हम लोग को चेताना भी चाहिए। किसान कर्जे की बात करते हैं, आपने वादा किया था कमलनाथ जी राहुल गांधी जी के सामने 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, आपने कर्जे माफ़ नहीं किए, एक आदेश निकाला आपने, टोटल मिला के देखेंगे तो 60,748 किसानों के कर्जे माफ़ होना चाहिए था। इसके लिए क्या चाहिए था कि 55,61,55,61,713 करोड़ रुपए आपको डालना चाहिए था, आपने 1 रुपये नहीं डाला, आपने किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए। सबसे बड़ा कष्ट हमको हो गया क्योंकि मैं सहकारिता मंत्री हूँ, हमारी बैंकिंग व्यवस्था है, RBI के रूल एंड रेगुलेशन हम पे चलते हैं, आपने आदेश कर दिया कि ये जो है ना किसानों के कर्जे माफ़ बैंकिंग व्यवस्था से कर दो, उस समय के डॉक्टर गोविंद सिंह मिनिस्टर थे डॉक्टर साहब ने कहा कर्जे माफ़ कर दिए, लेकिन सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए की आपने जो पहली किस्त किया था 1 रुपये डाले नहीं, इसके कारण क्या हमारी पैक्स सोसाइटियाँ 4,500 जो थी वो बैठ गई क्योंकि किसान को लगा मेरा कर्जा माफ़ हो गया, इन्हें प्रमाण पत्र बांट दिए, प्रमाण पत्र बांटने से क्या हुआ किसान को लगा कर्जा माफ़ हो गया, किसान ने बैंक में पैसा जमा नहीं किया, इसका बैंक पूरी व्यवस्था बैठ गई और उसका बड़ा दुष्परिणाम किसान को हो गया क्योंकि हमको पैसा दिया, हमें डिफॉल्टर हो गए वो सब। ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो किसान कर्ज माफी की योजना कांग्रेस ने शुरू की थी उसको कतई जारी नहीं रखा जाएगा, लेकिन किसानों के हित में हमेशा से भाजपा सरकार को सकारात्मक निर्णय लेती रही है और लेगी। वहीं शिवराज कैबिनेट की विधानसभा में